पास ना हो परमात्मा उसके पास ना हो। जब तृण में कण में सब जगह परमात्मा है तो होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है, है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी आंखों पर वासना का मोतियाबिंद है, वासना का मोतियाबिंद। और ये जब तक वासना का मोतियाबिंद रहेगा तब तक जो है हमें समीप में खड़ा हुआ परमात्मा दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके यहाँ सबसे पुराना अस्पताल सीतापुर में है, आंखों का अस्पताल है कि नहीं? अब तो हमारे चित्रकूट में भी बहुत बड़ा अस्पताल हो गया, लेकिन पुराना अस्पताल है सीतापुर का, बहुत प्राचीन। मोतियाबिंद का ऑपरेशन प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि मोतियाबिंद आंखों पे आ जाता है तो सामने व्यक्ति खड़ा है, पास में खड़ा है, लेकिन हमें पास का व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता है। कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मोतियाबिंद आंखों पे आ जाता है। इसलिए भगवान सामने सूपनखा खड़ी है, भगवान को देख तो रही है लेकिन भगवान को भगवान की दृष्टि से नहीं देख रही, भगवान को भगवान की दृष्टि से नहीं देख रही है। क्योंकि भगवान भगवान की दृष्टि से सूपनखा को इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि उसकी आंखों पर वासना आ गई थी, वासना का मोतियाबिंद आ गया था। तो जब वासना का मोतियाबिंद आ गया था तो उसे भगवान भगवान की दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहे थे, धुंधलापन आ गया, इसलिए भगवान उसे इंसान की दृष्टि से दिखाई दे रहे हैं। वो इंसान की दृष्टि से देख रही थी भगवान को, वो भगवान को भगवान की दृष्टि से नहीं देख रही थी। प्रमाण क्या है? प्रमाण है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यही संयोग विधि रचे ऊ बिचारी, ताते अवलग रहे ऊ कुंवारी, ओ मन माना कछु तुम्ही निहारी। भगवान से कहती है कि मैं अभी तक कुंवारी रही। अच्छा बोलो भैया, इंसान से आप छिपा लो लेकिन भगवान से कोई बात छिप सकती है? जल्दी बोलो, भगवान से तो नहीं छिप सकती, इंसान से बात छिप सकती? वो भगवान से छिपा के करे ताते अवलग रहे वो कुंवारी। अच्छा बोलो, सूपनखा कुंवारी थी कि नारी थी? नारी मानी पाणी ग्रहण जिसका हो गया हो, नारी। कुंवारी नहीं थी, उसका तो विवाह हो गया था, बल्कि विधवा हो गई थी, वैधव्य ले लिया था, वैधव्य हो गया था उसका, उसका पति मारा गया। लेकिन ये रावण की बहन है और कहती है मैं अभी तक कुंवारी हूं। अरे संसार से छिपाओ लेकिन भगवान से तो मत छिपाओ। लेकिन भगवान को भगवान की तरह नहीं देख रही थी, वासना का मोतियाबिंद इसकी आंखों पे आ गया था, इसलिए इसे भगवान भगवान की तरह दिखाई नहीं दे रहे थे, वो तो सामान्य इंसान मान रही थी। और कहती है कि मैं कुंवारी हूं, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं। भगवान को देख करके उपासना आ जानी चाहिए, भगवान को देख करके। भगवान का दर्शन आप मंदिर में करते हो, जब भी जाते हो मंदिर में तो ईमानदारी से बताओ, भगवान का दर्शन करते हो तो क्या लेके जाते हो साथ में? उपासना लेके जाते हो, तभी तो भगवान का दर्शन होता है। और यदि उपासना लेकर के नहीं जाओगे तो याद रखना, मंदिर का भगवान पत्थर के रूप में दिखाई देगा। और उपासना लेकर के जाओगे तो याद रखना, वो मंदिर का परमात्मा जो पत्थर के रूप में खड़ा है, अगर सच्ची भक्त प्रहलाद जैसी उपासना होगी तो उसी पत्थर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा और तुम्हें दर्शन देकर कृतार्थ करेगा। लेकिन उपासना लेके जाओगे तब। सूपनखा भगवान से विवाह करना चाहती है, ये वासना है। भगवान ने सोचा कि ये महिला झूठ बोल रही है, भाई मीरा जी ने भी पति के रूप में परमात्मा को स्वीकार किया था। बोलो, किया था कि नहीं किया था? पति के रूप में तो मीरा ने भी स्वीकार किया था, लेकिन मीरा उपासना लेकर के गई थी भगवान के सामने। बोलो, गई थी कि नहीं गई थी?
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मीरा जी गई थी, वो मीरा जी उपासना लेकर के गई थी, और उपासना लेकर के गई थी तो मीरा जी ने भगवान से ये कहा कि मैं संसार में केवल आपको ही मानती हूँ और किसी को नहीं मानती हूँ। भगवान ने कहा किस रूप में मानती हो, किस रूप में मानती हो? कहा पति के रूप में। भगवान ने कहा पति तो तुम्हारा घर में बैठा हुआ है, पति तेरा घर में बैठा हुआ है और तू मुझे पति मान रही है, तो याद रखना है। मीरा जी ने एक ही बात कही थी, हे प्रभु मैं वासना की दृष्टि लेकर के नहीं आई हूँ, मैं उपासना की दृष्टि लेकर के आई हूँ, और संसार में केवल पुरुष एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं। संसार में एकमात्र पुरुष के रूप में केवल परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं। और सच्ची बात तो यह है प्रभु कि वो पति है मेरा, मैंने उसका वर्ण किया था, लेकिन उसकी दृष्टि में, क्योंकि उसने समग्र धार्मिक भावनाओं को ठुकरा दिया है, उसने धार्मिक अस्तित्व को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया है, तो जिसने सदा सदा के लिए धर्म का त्याग कर दिया हो वो मेरे लिए निष्प्राण है। क्या है? निष्प्राण है। अब समझते जाना, ये मीरा की भावना, भगवान से मीरा कह रही है कि जिसने अपने जीवन में जीते जी धर्म को छोड़ दिया है, जिसने अपने जीवन में जीते जी परमात्मा से नाता तोड़ दिया है, वो जिंदा रहते हुए भी मृतक समान है। क्या है? मृतक समान। और जब प्राणी मृतक समान हो जाता है, किसी नारी का पति मर जाता है तो प्रभु वो विधवा हो जाती है, लेकिन जब वो विधवा हो जाती है तो वैधव्य सुधा नारी को एकमात्र पति के रूप में अगर वरण करना चाहिए तो वो जगत पति का करना चाहिए और किसी का नहीं करना चाहिए। किसका वरण करना चाहिए? जगत पति का। और बोलो, पति के मरने के बाद नारी किसके चरणों में समर्पण कर देती है? जगत पति के चरणों में। तो मीरा ने कहा कि जिसके जीवन से धर्म चला गया है मेरी दृष्टि में वो मुर्दे के समान है, इसलिए मेरे पति ने नारायण को नहीं माना है, मेरे पति ने धर्म को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मेरी दृष्टि में वो मुर्दे के समान है। इसलिए हे प्रभु, अब एक ही विकल्प मेरे सामने बचा था कि मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब तो केवल एकमात्र आप ही हैं। तो सीधी सी बात यह है भैया, सूर्पणखा का तो पति मर गया था, लेकिन सूर्पणखा अगर परमात्मा को पति बनाना चाहती है तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बार बार इस बात को दोहराऊंगा, उसे उपासना लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन वो वासना लेकर के गई। उसका प्रमाण ये है कि उसने अपने को नारी स्वीकार नहीं किया, कुमारी के रूप में स्वीकार किया। बोलो किस रूप में स्वीकार किया है? कुमारी के रूप में। इसका मतलब है कि वो भगवान के सामने वासना लेकर के गई थी। इसलिए तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम कुमारी, अभी तक मैं कुमारी हूं,
तुम्हें देख करके कुछ संतुष्ट हुई हूँ, इसका मतलब है वासना लेकर के गई थी तो अपने आप को छिपा रही है, कहती है मैं कुंवारी हूँ। भगवान मुस्कराए, मन ही मन मुस्कराए। सीत ही चित कही प्रभु बाता, ओ आहे कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने सीता जी की ओर देखा, इसका मतलब यही है, मुस्कुरा करके कहा आहे कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देख के कहा कि मेरा भाई कुंवारा है, तुम वहां चली जाओ और वो तुम्हारे साथ विवाह कर लेगा। तो आप कहोगे सूपनखा झूठ बोली थी, मैं कुंवारी हूँ, भगवान झूठ बोल गए, वो कुंवारा है ना। सूपनखा कुंवारी ना लक्ष्मण कुंवारे, क्यों भाई? लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ और सूपनखा का विवाह भी हो चुका था, क्यों भाई? हो गया था कि नहीं? अब जब दोनों का विवाह, तो सूपनखा भी झूठ बोल रही, भगवान भी झूठ बोल रहे, तो भगवान में और संसार में अंतर क्या रहा? भाई जब भगवान झूठ बोले और सामान्य जीव भी झूठ बोले तो कोई अंतर नहीं? प्यारे अंतर है। क्या अंतर है? सूर्पनखा है क्या? सूर्पनखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी मानी होती है सर्पणी। अहिनी मानी क्या? सर्पणी। सर्पणी को कहते हैं अहिनी। अच्छा, अगर सूर्पनखा अहिनी है तो लक्ष्मण जी क्या है? जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचरा चर धनी। अहिस महिधर लखन सचरा चर धनी। अहि लक्ष्मण है, अहि मानी शेषनाग, शेषा अवतार है ना, तो लक्ष्मण शेष है, अहि है, और सूर्पनखा अहिनी है। अच्छा बोलो भैया, अगर सर्पणी का विवाह संभव है तो सर्पई के साथ है कि नहीं? किसके साथ विवाह संभव है? सर्प के साथ आसानी से हो जाता है और नियम भी है। अगर ये अहिनी है तो याद रखना लक्ष्मण अही है, इसलिए यहां तो तेरा विवाह संभव ही नहीं है। अगर तू विवाह के लिए ही आई है तो मैं उपाय बताए देता हूं कि तू अहिनी है, मेरा भाई अही ही है, अहे है। अहिनी का और अहि का विवाह संभव है, लेकिन सर्पणी का विवाह राम के साथ संभव नहीं है, क्योंकि राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। राम साक्षात धर्म है, राम साक्षात ज्ञान है, राम साक्षात रामो विग्रहवान धर्मा, साक्षात सनातन धर्म है। इसलिए अगर तेरा विवाह संभव है तो मेरा भाई सर्प है, अहि है, अगर चाहे वो तो कर सकता है, तू वहां चली जा। भैया बात यह है, सूपनखा की बात नहीं है यहां, यहां बात है वासना की। जब वासना जीवन में आ जाएगी तो परमात्मा समीप में होते हुए भी दिखाई नहीं देगा परमात्मा की तरह, वो साधारण मनुष्य दिखाई देगा, लेकिन ईश्वर के रूप में हम उसे नहीं देख पाएंगे। जैसे हम अगर अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करें तो हमें सबका परिचय समाज में मिल जाएगा। माँ आएगी तो धर्म कहेगा पहचानो ये तुम्हारी माँ है। माँ सामने आएगी तो धर्म होगा अगर तो क्या कहेगा? पहचानो ये माँ है, तो सिर झुक जाएगा। अगर बेटी आएगी तो धर्म कहेगा ये बेटी है, तो वात्सल्य उमड़ जाएगा कि नहीं? लेकिन पहचान कौन करा रहा है, जल्दी बोलो, धर्म करा रहा है। पत्नी आएगी तो कांता भाव आ जाएगा, धर्म कहेगा ये तुम्हारी पत्नी है। तो ईमानदारी से बताओ, धर्म ही तो दृष्टिकोण बदल रहा है। दृष्टिकोण कौन बदल रहा है? धर्म बदल रहा है। जहां जीवन में धर्म होता है निश्चित रूप से वहां उपासना रहती है आंखों में, और जहां आंखों में उपासना होती है वहां निश्चित रूप से हम जिसे भी देखते हैं धर्म ही पहचान कराता है कि ये परिचय है, इसको इस रूप में स्वीकार करो। और यदि हमारी आंखों में उपासना रहेगी तो समाज में हम कहीं भी जाएंगे, अगर परमात्मा किसी भेष को बदल के खड़ा होगा तो धर्म कहेगा ये भेष बदला हुआ है, लेकिन वास्तव में ये ईश्वर है, पहचानो और समर्पण कर दो, क्योंकि ये परमात्मा है। तो बोलो पहचान कौन बताता है? असली धर्म बताता है। यही बात किष्किंधा कांड में है।
कैसे? किष्किंधा कांड, अरण्य कांड से किष्किंधा कांड शुरू हो, अरण्य कांड के बाद कौन सा कांड शुरू होता है? किष्किंधा कांड शुरू होता है। अरण्य कांड में रावण की विनाश यात्रा शुरू हुई, अरण्य कांड से रावण की विनाश यात्रा प्रारंभ हुई, और अयोध्या कांड से राम जी की विकास यात्रा शुरू हुई। ओ अयोध्या कांड से राम जी की विकास यात्रा शुरू हुई और अरण्य कांड से रावण की विनाश यात्रा शुरू हुई, क्योंकि सूर्पनखा गई और सूर्पनखा ने जाकर के जब लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए तो जाके रावण के पास गई और कहती है, तोर जियत दशकंधर मोर की असगति होए। रावण तू मेरा भाई है और तेरे रहते हुए मेरी ये दशा है कि नाक कान कट गए। रावण ने कहा कि नाक कान काटे किसने? का एक तपस्वी आया है, उसके साथ में उसका एक भाई है, तो वो तो बड़ा जो भाई है वो तो सीधा साधा कुछ लगता है, लेकिन उसका छोटा भाई बहुत तेज तर्रार है, उसी ने हमारे नाक कान काट दिए। कहाँ रहता है वो? कहे पंचवटी नासिक में। अरे तो वहीं पास में तो खरदूषण रहता था, खरदूषण मौसम बलवंता, मुझसे भी बड़ा बलवान है वो। खरदूषण तेरा भाई संबंध में भाई लगता है तो खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? कहा खरदूषण को भी मार डाला उन्होंने। ओहो खरदूषण को भी मार डाला, अच्छा अपमान किया तेरा, नाक कान काटे। बहन तू चिंता मत कर, अपमान का बदला मैं लूंगा। देखो बहन को नहीं डांटा, बहन को प्रोत्साहित कर रहा है वो। कहना ये चाहिए था कि तुम अकेली क्यों गई थी, जब इतना बड़ा वंश परिवार है तो किसी ना किसी को साथ लेके जाना चाहिए था। हमारे यहाँ नारी समाज को विशेष संरक्षण दिया जाता है, जब इनका जन्म होता है तो माता पिता के संरक्षण में रहती है, बोलो रहती है ना जन्म। इसके बाद जब विवाह होता है तो पति के संरक्षण में, और जब संतान हो जाती है तो वृद्धावस्था में संतान के संरक्षण में, बोलो जन्म से लेकर के मृत्यु तक संरक्षण ही संरक्षण है कि नहीं। और सनातन संस्कृति का सबसे मर्यादित ये संरक्षण है कि जन्म लिया तुमने तो माता पिता के संरक्षण में, विवाह हुआ तो पति के संरक्षण में, बुढ़ापा आया तो संतान के संरक्षण में तुम्हारा जीवन है। बोलो इतना सुरक्षित रखा जाता है सनातन धर्म में नारी समाज को। रावण को कहना चाहिए था, क्योंकि अगर भारतीय संस्कृति के संस्कार होते तब कहता हूं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है रावण, इसलिए कैसे कह पाता वो अपनी बहन सूर्पनखा से। उसने तो प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया, कहना तो उसे ये चाहिए था कि जब इतना बड़ा परिवार है तो अकेली क्यों गई, साथ में लेके जाना चाहिए था किसी ना किसी को। लेकिन पंचवटी सो गई कुवारा, अकेली यदि गई थी तो पर पुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए था, और गई भी थी तो विवाह का प्रस्ताव लेके नहीं जाना चाहिए था। बोलो भाई ये सब सामाजिक मर्यादा के विपरीत है कि नहीं? विपरीत है। और सत्य तो ये है भैया, सूर्पनखा के नाक कान कटे इसका मतलब है रावण को चुनौती दी है लक्ष्मण ने, मनहु चुनौती दी। सीधी सी बात, लक्ष्मण की चुनौती यही है कि जिस परिवार के लोग अपनी बहन बेटियों को संरक्षित नहीं कर सकते हैं, संरक्षण नहीं दे सकते हैं, जो परिवार अपनी बहन बेटियों को स्वतंत्र कर देता है, संरक्षण नहीं देता है, नशा आदि सेवन करके सो जाता है और बहन बेटियों को उचित संरक्षण नहीं मिल पाता है, याद रखना भविष्य में निश्चित रूप से उनके परिवार के सामने चुनौती आ जाती है और उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाता है। और बोलो भाई परिवार के नाक कान, बहन बहन के ही नाक कान नहीं कटे, पूरे खानदान के नाक कान कटे हैं, ये कटेगी नहीं? रावण वंश के पूरे खानदान के नाक कान कटे हैं। रावण को विचार करना चाहिए था, लेकिन विचार किया फिर विचार बदल दिया। विचार क्या किया? खरदूषण मौसम बलवंता, उत नहीं कुमार बिन भगवंता, हुई है
भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। तो मैं जाए बरहठ करी हूँ।